बिहार के गया जिले में पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पिछले दो दिनों में विभिन्न मामलों में वांछित 30 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार भारती और वजीरगंज कैंप पुलिस अधीक्षक घूरन मंडल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने पूरे मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कल दिनांक 26 और 27 की रात में जो है एडिशनल एसपी गया और एसडीपीओ वजीरगंज के नेतृत्व में मुफस्सिल और बुनियादगंज थाना अंतर्गत जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के अंतर्गत दोनों थाना अंतर्गत कुल 30 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनको जेल भेजा जा रहा है। ये जो 30 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, इसमें से 5 व्यक्ति हत्या के कांड में और 2 व्यक्ति जो है हत्या के प्रयास के कांड में वांछित थे, और अन्य व्यक्ति जो है क्योंकि वारंट के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं, तो वारंट में कांडों का विश्लेषण नहीं था, लेकिन न्यायालय से निर्गत वारंटों के आधार पर अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसी तरह से जो है इन दोनों, विशेष रूप से मानपुर जो क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी कई दिनों से लगातार जो है शरारती तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, 30 व्यक्तियों की गिरफ्तारी एक रात में की गई है और इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा और विशेष रूप से मुफस्सिल और बुनियादगंज क्षेत्र के जो वांछित अपराधी तत्व हैं उनकी सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह का अभियान जो है हम लोग जो है अपने जिला स्तर पर, अपने कार्यालय स्तर पर जो गंभीर कांड हैं, लूट डकैती के, हत्या के, उनमें जो वांछित अपराधी हैं उनकी सूची बनाई गई है। उस सूची पर जो है इस स्तर से, जिला स्तर से जो है गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जाएंगे और साथ ही साथ अन्य थानों को भी सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जो विभिन्न आपराधिक घटनाओं में, कांडों में वांछित है और न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट्स जो हैं उनमें वांछित है, और नियमित अंतराल पर जो है सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। गया से अनुपम सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं अरुण तिवारी। वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं।